Respective Chairman Election Board Gamsun Mani Sahab, Vice Chairman Abdulrashid Malik Sahab, General Secretary Gulam Ul Mara Sahab, Chief Accountant Hakim Sahab. Hek bu sen. İnsan çok pirişti ki. Pirişti şunu insan. İnsan çok insan. İnsan çok belki yılın akbotla işimiz münir. İşimiz şirket, vekil, yakas per. Emes hek galti diyorsun. Emes hek galti diyorsun. Magar agar ye emes vaktas per inform. तो इसका इलेक्शन होना चाहिए. हर तीन साल के बाद अगर कैंडिडेट की कारकर्दगी अच्छी नहीं रहती है तो एक मौका मिलता है, मतलब वोटर को मौका मिलता है कि वो देखें कि तीन साल में इस कैंडिडेट ने क्या किया. अगर इसने अच्छा काम किया, अगर इसे मार्केट के लिए काम किया, मार्केट के विकार के लिए काम किया, दुकानदार के जो जितने भी बेसिक हकूक है उसके लिए काम किया, और उसको एक मौका मिलता है हर तीन साल के बाद अपनी जमहूरियत का वो मतलब बिल्कुल बाज़ाबता वो इंतखाब करे कि मुझे अच्छा क्या रहेगा और ख़राब क्या रहेगा. काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं आज के डेट में. मेरे ये ट्रेडर्स फेडरेशन में ये इट्स आई थिंक इट्स अ गुड साइन ऑफ गुड फेडरेशन कि लोग चाहते हैं कि हम लोकतंत्र में आ जाए. यहाँ इस मतलब जो ट्रेडर्स फेडरेशन का जो इलेक्शन है इसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लें. मैं मुझे भी खुशी है क्योंकि मुझे भी अब चार बार मैं बन चुका हूँ, आज मेरा पाँचवा फार्म है. तो मेरी भी खुशी है कि अगर इस वक्त मेरे से अच्छा कोई बंदा डिलीवर कर सकता है, मेरे से अच्छा कोई अपने मार्केट को अच्छा मतलब अच्छी खासी खदमत कर सकता है, तो ये तो बिल्कुल मार्केट को कल देखना है कि उनके लिए कौन सा अच्छा कैंडिडेट रहेगा जो उनके बेसिक बात देता हूँ. जिन्होंने कम वक्त में इलेक्शन ट्रेडर्स पर्सन हंदवारा की इलेक्शन की तैयारी की, राकेश असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कुपवारा और सारे एडमिनिस्ट्रेशन का मशकूर और ममनून हूँ, जिन्होंने वक्त वक्त पर नज़र भी रखी और तावुन भी पेश किया. इलेक्शन बोर्ड हंदवारा के सारे ताजर बरादरी को हम अपील करते हैं कि 8 अप्रैल 2021 को 8 बजे से टाउन हॉल हंदवारा में तशरीफ लाकर अपना वोट डालिए. वोटिंग 8 बजे शुरू होगी और 2:30 बंद होगी. साढ़े तीन बजे वोटों की गिनती शुरू होगी. वोटों की गिनती चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुकर्रर करदा मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी.